बड़का समाचार के बाद अब बिरा हो गए है खबर छत्तीसा के। धमतरी में छत्तीसगढ़ के पहली बायोपिक फिल्म मंदरा जी के शानदार शुरुआत हुए। दर्शक मन ला ए फिल्म हा भावत है। दर्शक मन के भारी भीड़ एमा देखे बर मिला थे। दर्शक मन के कहना है कि मंदरा जी के जीवन के ऊपर बने ए फिल्म ला टैक्स फ्री होना चाहिए। धमतरी के देवश्री टाकीज मा छालीवुड के स्टार संजय बत्रा, निर्देशक विवेक सारवार, ज्योति पटेल और मंदरा जी फिल्म के अन्य कलाकार मन पहुंचे रहे, जेकर ले हमर धमतरी रिपोर्टर चंद्रप्रकाश सिन्हा हा गोट बात करे। छत्तीसगढ़ फिल्म मंदरा जी के हीरोइन आज हमारे धमतरी देवश्री में आए, हम ओकर से गोट बात करबो कि ये फिल्म में ओकर कौन से रोल है। तो हमन एक माध्यम बने हन, चाहे वो करण जी हो, मैं हो, या ये फिल्म में जितका कलाकार है, एक हम माध्यम बने हैं कि दाऊ मंदरा जी की हमला पहचान ला जो लोगन भुला गए तेन ला दर्शक मतलब बताना है। ये फिल्म ला आपन ला देखे लेखर से कहा तो कि हमन नाचक के पुरखा आज हमन जितका छत्तीसगढ़ के कलाकार हन यहाँ मन हन सब दाऊ जी के देना। हाँ। जो फिल्म बहुत हट के आए, हाँ। जो दाऊ मंदरा जी उनका जीवन पे फिल्म आ गए है। दाऊ मंदरा जी जो है वो नाचा के जनक है, जेकर ऊपर ये फिल्म फिल्माए गए है और दर्शक मन ला काफी पसंद करते हैं। ये हमारे जो ये चैनल के माध्यम से, हाँ। आप दर्शक मन ला का संदेश देना चाहते हैं? बस ये बोलना चाहूँ कि हमार नाचा के पुरखा जो मंदरा जी है कौन है तिलना आप जानना है और हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति लाला मया कर थो, अपन छत्तीसगढ़ से मया कर थो, तो हमर जो मंदरा जी है तेला जाने पर आप मन जरूर आओ। हम मतलब देखे मत आओ कि मैं करण खान जी काम करे या ज्योति पटेल काम करे या कौन काम करे, मंदरा जी हमारे लिए ये फिल्म उद्देश्य बनाए उद्देश्य यही है कि हमला मंदरा जी ला फिर से जियाना है और कलाकार कभी नहीं मरे वो जीवंत रूप में अपना पिक्चर में दिखे। सरकार है पाठ्यक्रम, मतलब सरकार का शिक्षा विभाग है पाठ्यक्रम में जोड़ दे, कक्षा छठवीं के पाठ 14 में ये जोड़े है दाऊ नाचा के पुरखा दाऊ मंदरा जी। जब ये लड़का वोला पढ़ा थे पुस्तक में बोल पढ़ा थे और वोला फिल्म के माध्यम से देखी तो ओखर जानकारी वो पुख्ता हो जी, जब बड़े हुई तब ये बताई कि मैं पिक्चर ला देखे घलोक रही हूँ पढ़े घलोक रही और जब पढ़ के निकल गई। आज की यूथ है ये मन नहीं जाने काबर को समझ, मतलब पुस्तक में भी नहीं आ रही सब गूगल में शायद सर्च करके भी नहीं देखे, आप देखिए शायद हिंदी फिल्मों में सब्सिडी वगैरह मिला थे तो अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल से बिल्कुल यही चाहते कि टैक्स फिर करे कि जतका ये लोगों तक पहुंच सके। बायोपिक फिल्म है ये, एक छत्तीसगढ़ के एक महान कलाकार जिन्होंने कला को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सच कहा जाए तो हर छत्तीसगढ़िया को ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि ये कला को सम्मान है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सम्मान है और इतने महान कलाकार जिन्होंने कला के लिए न केवल जीवन समर्पित किया वरन अपना पूरा खेती खार बच्चों का सुख दुख ग्रस्त जीवन सब चीज चला गया तब आज इतना नाम मिला है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को ये बताने के लिए कि छत्तीसगढ़ के असली हीरो कौन है, छत्तीसगढ़ के असली हीरो शाहरुख खान और सलमान खान नहीं है, छत्तीसगढ़ के असली हीरो है मंदरा जी जैसे कलाकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति और कला के लिए अपना पूरा जीवन और संपत्ति और परिवार तबाह कर दिया। आज मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार न केवल इसको टैक्स फ्री करे वरन सारे स्कूल के बच्चों को इस फिल्म को देखने के लिए प्रेरित करे और वो बच्चे जान पाए कि असली छत्तीसगढ़ी संस्कृति क्या है। आजकल छत्तीसगढ़ी फिल्मों के नाम से बहुत ही विकृत करने वाली संस्कृति का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है जिस पर सरकार को रोक भी लगाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्म देखना चाहता है वहाँ मुंबई को और अमेरिका को नहीं देखना चाहता। मैं सभी छत्तीसगढ़ भाइयों से अपील करूँगा कि मंदरा जी फिल्म को देखने के बाद वो खुद तय करें कि असली फिल्म क्या होती है और असली हीरो छत्तीसगढ़ का कौन है। आज धमतरी में छालीवुड के सुपरस्टार संजय बत्रा जी आए हैं, आज हम उनकर से चर्चा करबो कि आज ये फिल्म में क्या खास है। लेकिन देसी गुमटी की खासियत होती है कि उसमें स्वाद ऐसा होता है कि लोग 5-स्टार होटल में रहते जरूर खाना खाने के लिए उस गुमटी में। तो ये सच है कि हमारी बहुत इंडस्ट्री बहुत छोटी है, सीमित दायरा है, तो उसको हम एक छोटी सी पकवान की दुकान बोलेंगे, लेकिन पकवान में जो स्वाद इन दिनों परोसा जा रहा है उसको लेकर मुझे खुशी है और मैं बहुत प्रोत्साहित हूँ। ये हमारी मातृभाषा हमारे बोली भाखा में है, आज ये कम बजट की फिल्म है और जो हिंदी फिल्म है बहुत ज़्यादा लागत से आते हैं और एक जो आनंद है अपन जो बोली भाखा के एक लिए किस तरह से आप देखते हो? देखो ऐसे है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा जैन दौर में अभी पहुँचे हैं तो पहले तो बहुत डावाडोल रही और कोई भी चीज़ स्थापित होने में समय लगते, वो समय लेवा थे लेकिन समय जो लेवा थे वो सार्थक।
अब देखो आज के तारीख में हमारे सिनेमा वो मुकाम में पहुँचे है कि मनोरंजन के साथ साथ विचारधारा जुड़ा है। जी जी, कोई प्रेरणा स्रोत आदमी के व्यक्तित्व के जीवनी के ऊपर फिल्म बनाना व्यवसायिक काम है, तब बोले विचारधारा जुड़े हैं तो ये तरक्की है। जो सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए अभी तक वो सपोर्ट नहीं मिल पाया है, मैं आपके क्या कहना है? नहीं मिल पाए है ये हमारा दुर्भाग्य है, पर एक गुनाहगार भी कोनो नहीं ठहरा सकता, कोनो दोष नहीं दे सकता। भाई सरकार है, सरकार की प्रायोरिटी बहुत कुछ होते हैं, पहले अपन आपला स्थापित करी पार्टी, फिर तरक्की करी, फिर बहुत कुछ करी। अब जैसे कोनो सेमिनार होते तो रात में एक आध घंटा कलाकार मनोरंजन भर आते, तो वैसे ही जीवन है, कलाकार बहुत पाचकुरी थे, ये दुर्भाग्य है। तो फिर भी मोला संभावना लगते कि वक्त आई तो सरकार ला ऐसे प्रपोजल ला टैक्स फ्री करना चाहिए, या फिर अच्छा प्रपोजल सरकार के संस्कृति विभाग में जाए तो ओला सब्सिडी देना चाहिए, ताकि बनाने वाला जैसे मंदराजी फिल्म बने, ये बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है, व्यावसायिक आदमी कभी हिम्मत नहीं करती ऐसी फिल्म बनाए, पर एक क्रिएटिव आदमी अगर बना है और अच्छा सब्जेक्ट है, ओला सरकार की तरफ से सब्सिडी मिले तो कल को मालिक न करे ऊपर नीचे होता उसका नुकसान तो थोड़ा कम हो ही, अभी हद का ज़्यादा नुकसान हो जाए तो कोई वो आदमी आगे आवेद नहीं करी। तो मैं चाहूँ कि सरकार ऐसे प्रपोजल ला सब्सिडी दे, अब जैसे नई दिस कोई बात नहीं, आने वाले दिन मिला टैक्स फ्री करे, आदेश जारी करे स्कूल के तरफ से, भाई एक डोनेट करो आपका बच्चा मन अलग अलग राज्य में सब अपन मातृभाषा ला बढ़ावा देते, आप बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ और जो भी आप जाओ अन्य राज्य में, लेकिन हमारे जो मातृभाषा ला जो मिलना चाहिए महत्व, जो दर्जा मिलना चाहिए, आज भी आदमी है हिंदी वो अपन अलग अलग जो भाषा में रुझा लेते हैं, हमारे जो भाषा ला जो मिलना चाहिए यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जर्दा वो नहीं मिल पाते, वो के लिए क्या पहल होना चाहिए? एक जिम्मेदार कोई और नहीं, हमन खुद है। हमन अपन भाषा बोली सम्मान नहीं करबो तो कौन बाहर वाला करी, जब हम होकर सम्मान करबो ओला एक मुकाम में पहुँचाबो तो बाहर वाले मन के नजर पड़े। तो हमन आपस में हीन भावना पाल लेते, छत्तीसगढ़ी फिल्म देखे पर कतराथन कि अरे कोनो देख ली का बोली, काबर यार हमार फिल्म है, हमार भाषा है, हमार कलाकार मन है, ऐसे फिल्म बने है जेन हमन सपना देख के फिल्म ला देखते हैं ना, कल्पनाशीलता है। आज यहाँ फिल्म चला था एकर एको काम बम्बई में नहीं हुए, सब काम रायपुर में, सिर्फ सेंसर के सर्टिफिकेट लेबर बम्बई गए। तो हमन कतना तरक्की करें, जब हमन छोटे रहे सिनेमा देखन तो जादू देखन, जादू ही लगे ना, आज वो जादू हमारे घर में हुआ था। तो ओला हमन ला सम्मान देना है, सम्मान देवो भाखा बोली ला तो तरक्की करी, तरक्की करी तो फिर बाहर वाले मन के नज़र पड़ी, कलाकार मन के ऊपर टैलेंट के ऊपर पड़ी और एक दिन आई हमन सब जन समृद्ध हो। पत्र जी आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़वासी और जिला के मतलब का संदेश देना चाहूँ? मैं सब जन ला संदेश देना चाहूँ कि भाई देखो कोई भी चीज़ दवा किस्म के आते तो ओला हजम करे में देर लगते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़िया मन के हाजमा ऐसे दुरुस्त है, ऐसे इमोशनल है, ऐसे भावुक है कि हर चीज़ ला अप्रिशिएट करते। सिनेमा के दौर आए किस्म किस्म के सिनेमा बनीस, लेकिन कोई महान व्यक्ति के वो भी छत्तीसगढ़िया महान व्यक्ति के जीवनी पे आधारित फिल्म बने हैं तो ओला भी हमन ला स्वीकारना है। ठीक है एक बार में हमन ला लगा था कि का हो का नहीं, पर एक भाव देखो दूसर मन के मन ला बताओ, हमन देखो तो हमारा लगे कि यार वो किस्म के भी बढ़िया फिल्म रही, यहू अलग किस्म के बढ़िया फिल्म, तो सब आओ देखो, सब फिल्म ला सम्मान दो, ऊंच नीच होते कम ज़्यादा होते, लेकिन हमार चीज़ है हमार ला बढ़ावा देना है, हमन बढ़ावा देवो तो बाहर वाले भी सम्मान दें। तुरी से छॉलीवुड सुपरस्टार संजय बत्रा जी जे कल हमन चर्चा करत रहे और अपन विचार हमारे बीच में रखी, धमदरी ले मोर सहयोगी दुर्गेश साहू के साथ मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा न्यूज़ 36।